नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं चिकन, हांडी चिकन, और हांडी चिकन मखाने उसको बोलेंगे हम, क्योंकि उसमें हमें मक्खन भी ऐड कर रखा है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर कच्चा सामग्री। ये है मेरा चिकन जो हमने संख्या के अनुसार इसको 2 केजी ले रखा है। ये है 4 बारीक कटे हुए टमाटर हैं, और ये मेरे पास है अदरक, हरा मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। ये थोड़ी सी हल्दी है, सूखा मिर्च है, और ये खड़ा मसाला है, और कुछ पिसा हुआ मसाला भी मिलता है। इसको आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ये हमने एक बटर ले रखा है, क्योंकि इसी की वजह से आपका चिकन का नाम बटर चिकन हो गया। और ये हमने प्याज काट ले रखा है, जो 2 केजी हमारे पास है वो चिकन है, इसलिए हम प्याज 1.5 केजी के लगभग लिए हैं, ताकि हमको इसमें पानी ऐड करना नहीं है। हमको इसी के प्याज जो पानी छोड़ेगी, चाहे जो प्याज के वजह से पानी निकलेगा, उसी की वजह से मेरा चिकन पकेगा, और यही मेरा ग्रेवी बनेगा, यही मेरा ग्रेवी आएगा। और ये हमने अभी हम सबको एक में मिक्स करना है, मिक्स करके मैरिनेट करना है। और ये मेरा हांडी, और इसी में सारी क्रिया होगी, और ये हांडी चिकन बनेगा इसी में, ठीक है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगे। आप नमक थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे पास चिकन ज़्यादा है। और इसके बाद हम लेंगे प्याज, चिकन ज़्यादा है इसलिए हम इसको थोड़ा कर करके दो बार में इसको मैरिनेट करेंगे। देखिए ये है मेरा हरा मिर्च अदरक का पेस्ट, और ये है मेरे पास हल्दी, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, और ये पिसा हुआ मसाला है मेरे पास, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। ऐसे मसाला अपने अनुसार ले सकते हैं, और खड़ा मसाला होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि इसी की वजह से स्वादिष्ट होगा आपका चिकन। और ये हमने कुछ टमाटर डाल रखे हैं, इसमें डाल ले रहे हैं अभी, इसको मैरिनेट करना है मुझे। नमक हो गया, ये कुछ 2 चम्मच जीरा है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, मैरिनेट करेंगे धीरे धीरे। सब सामग्री मिल गई है, अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल हम थोड़ा गर्म कर रखा है, ताकि जब ये तेल फ्राई हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसको पहले से थोड़ा गर्म करें, ताकि इसमें जो सरसों की कड़वाहट होती है वो निकल जाए। इसके बाद हम थोड़ा इसको भी मिला देंगे, इसमें इसको मिला करके छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे इसी तरह, इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है हमको। मिनट हुए इसको, टाइम हो गया है, तो हम इसमें अब सर्वप्रथम तेल लेंगे। इसको हम ये रही हांडी, 2 केजी चिकन है, इसलिए हमको थोड़ा साइज में बड़ा लेना पड़ा, ताकि अच्छी तरह से इसमें पक सके। देखिए आपके इसमें हम या इसमें हम डालेंगे तेल, थोड़ा सा तेल आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और इसको हिलाएंगे इसे अच्छी तरह से, इसको हिलाएंगे इसको अच्छी तरह से, इसको हो गया। इसके बाद इसमें हम ये चिकन वो जो बटर रखा है ना, जिसको इसमें आधा इसमें डाल देंगे, ताकि प्याज को गलने में सहायता करेगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये टमाटर जो बारीक कटा हुआ है, इसको पहले डाल देंगे, ताकि नीचे उसके लिए कुशन टाइप बनाएगा और पानी छोड़ेगा नीचे, ताकि प्याज पकड़ने ना पाए। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये चिकन, इसको हमने पूरा चिकन प्याज जो इंग्रेडिएंट आइटम है सब इसमें डाल दिया है। देखिए अच्छी तरह से ही इसमें हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, इसका ढक्कन है, इसको अच्छी तरह से इसमें पहले ऐसे ऐसे पहले लगा के इसे पहले कर लेना चाहिए। इसको पहले से बना के रखा है, गुठा हुआ था है। इस पे हम पहले इसको
पूरा चिकन को इसमें पैक करके और इस तरह से गुच्छे गांठों से इसको हमने सील कर लिया। इसको अच्छी तरह सील कर लेना चाहिए ताकि इसमें से गैस ना निकले, क्योंकि गैस निकलेगी तो मेरा चिकन पकड़ना शुरू कर देगा नीचे और वो जलने लगेगा। ठीक है, अब हम गैस जलाते हैं। इसके बाद हम गैस जलाएंगे, सावधानी से इस पर रख देंगे। ठीक है, और थोड़ा से स्लो कर देंगे इसे और इसी को आधे घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसको हम थोड़ा हिला देंगे ताकि जो पीस है और ग्रेवी एक दूसरे मिक्स हो जाए और पकड़े जाए। हांडी चिकन मखानी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको आपके सामने इसको खोलेंगे, देखते हैं कैसा है। ये ध्यान से काटे, गिरे ना तो इसके साथ बड़ी आस्थाएं जुड़ी रहती है। ये बनके अपने हंडी चिकन तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती और इसको थोड़ा चला देते हैं। बटर चिकन है तो इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दे रहे हैं। जो बचा था और इस तरह से हमारा बटर चिकन हांडी तैयार हो गया।